अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, पुलिस फाइल की एक नई एपिसोड के साथ मैं हूं एसपी मूसा। आइए नजर डालते हैं आज के प्रोग्राम पर। आज के एपिसोड में देखिए, मजलूम को मिला देश निकाला और गेट का ताला, खानदान मजबूर घर से दूर, काम की उजरत मांगने वाली इज्जत गंवा बैठी। डॉक्टर साहब कहाँ हैं? डॉक्टर को कौन बताए औलाद को मरते देखना कैसा होता है, एक बाप की आप बीती। मोहम्मद अनस मर गया या मारा गया, अनस की मौत हादसा या इक़दामे कत्ल। और लुटेरों की लूट से बचने का तरीका, मुश्तरी होशियार बाश। जिक्र करते हैं दस्का का, जिसके नवाही गांव भरोके में है एक जालिम जमींदार, जिसके जुल्म का शिकार हुआ एक गोरकन का खानदान। यह है भरोके गांव का चौधरी असगर। 29 दिसंबर के दिन चौधरी असगर के आदमी दाखिल हुए गरीब गोरकन साईं बशारत के घर। यह है गरीब गोरकन साईं बशारत। साईं बशारत का घर भरोके के कब्रिस्तान में वाकई है। मरने वालों के लिए कब्रें खोदकर और कतबे लगाकर ये अपने घर वालों को पालता है और इसकी बेटियां काम करती हैं चौधरी असगर के खेतों में। उस वक्त घर में सिर्फ औरतें थीं। चौधरी के आदमी साईं के घर जबरदस्ती घुस आए और घर की औरतों पर तशद्दुद किया, सामान सड़क पर फेंका और घर वालों को निकाला गांव से बाहर। देखिए, साईं के घर का सामान घर के बाहर पड़ा है। बिखरी पड़ी है चारपाइयां, पेटियां और बर्तन। चौधरी के आदमियों ने घर के मकीनों को निकाला और गेट पर लगाया ताला। मगर ऐसा क्या हुआ था कि साईं बशारत जैसे गरीब आदमी के साथ ये सब कुछ हुआ? चौधरी ने ऐसा जुल्म क्यों किया? चौधरी और साईं के दरमियान इस तनाजे की कहानी शुरू होती है 10 माह पहले। ये है जमीने चौधरी असगर की। इन्हीं जमीनों में काम करती थी साईं बशारत गोरकन की बेटी किरण। सारा दिन खेत में काम करना और दिन ढलने पर काम की उजरत वसूल करके घर चले जाना किरण का मामूल था। उस दिन भी किरण ने सारा दिन चौधरी के खेत में काम किया और उसके डेरे पर गई अपने काम की उजरत मांगने। उजरत देने के बजाय चौधरी लड़की पर तशद्दुद करने लगा। और फिर उसी डेरे पर एक मकरूह खेल खेला गया। एक गरीब की गरीब बेटी उजरत मांगने गई और इज्जत गंवा बैठी। किरण, मैं आलुआं दे पैसे ला, मजदूरी दे पैसे लैन गई सा, मैंने मजदूरी दे बजाय चंडा मार के जुलम करवाया। किरण चौधरी असगर के डेरे से निकली, उसके कपड़े फट चुके थे। वो गिरते पड़ते और मुश्किल से अपने आप को छुपाते घर पहुंची। माँ ने बेटी की बिगड़ी हुई हालत देखी तो उससे इसकी वजह पूछी। मजलूम किरण के पास सिवाय रोने के कुछ नहीं था। चौधरी और उसके जालिम कारिंदों ने छीन लिया था उसका उम्र भर का सरमाया। क्या यही था मजदूर की दिन भर की मेहनत का सिला?
थोड़ी ही देर में साई बशारत घर पहुंचा। किरण अपनी माँ के सीने से लगी रो रही थी। साई की बीवी ने उसे रोते हुए सारा किस्सा सुनाया। साई बशारत ने मजलूम बेटी के सर पर हाथ रखा और इंसाफ की तलब में पहुंचा थाना भरोके। बेटी के साथ रेप की भयानक वारदात का होना और मजलूम बाप का रोना काम न आया। थाने वालों ने साई बशारत की बात मानने से इनकार कर दिया। चौधरी के कहने पर गरीब गोरकन की बेटी को ज्यादती का निशाना बनाया गया और ये जुल्म किया चौधरी के मुलाजिम शहबाज ने। बच्ची साड़ी पैसे लैन गई है, उन्हें पैसे के बजाय साड़ी बच्ची मारिया भी है चौधरी असगर ने। उन्हें आख्या मेरा भरा वकील है, जो करना जे कर लो, जाओ मेरी बच्ची भी उन्हें मारिया, पैसे भी नहीं दिते, उतो जाति करवाई वह बंदा मुस्तकिल काम करता पक्का बंदा। ये है चौधरी असगर का मुलाजिम शहबाज। चौधरी असगर के असरो रसूख ने थाना सिटी में FIR दर्ज नहीं होने दी और इस भयानक वाकये की इत्तला पहुंची वजीरे आला पंजाब मियां शहबाज शरीफ तक। वजीरे आला ने हुक्म दिया कि वारदात की FIR दर्ज की जाए और मुजरिमों को करार वाकई सजा दी जाए। वजीरे आला के हुक्म पर FIR दर्ज कर ली गई। यह है वारदात की FIR। पुलिस ने चौधरी के मुलाजिम शहबाज को हिरासत में ले लिया और फिर पुलिस वाले पहुंचे चौधरी असगर के डेरे पर। चौधरी ने पुलिस वालों के साथ साजबाज की और पुलिस ने उसे गिरफ्तार करने के बजाय फराहम किया गांव से निकल जाने का रास्ता। रात के अंधेरे में चौधरी असगर गांव से निकल गया। उसका बचाव करती पुलिस क्या मौकफ इख्तियार करती है? मुरखा 15/2010 मुकदमा नंबर 121/10 376 जुर्म और किरण मसमा दे बयान ते दर्ज किया गया थाना सिटी दा, जिहदे विच एक मुलजम शहबाज वल जवेद सकना फैसलाबाद नूं गिरफ्तार करके हवाला जुडिशल भिजवाता उहदा अपना जेरे समात है अदालत जेरे समात है। और जिहड़ा किरण दा वालद मसमी असगर साई दे मुतलक कहता वह सिर्फ यही सी कि उन्हें वादा किया कि मैं मुलजम पेश कर देंगा वो खेतों चालू पटाई के दौरान बकुआ होया। इन्हीं गल के उत्ते गिरफ्तार या गुनाहगार करना तो नामनासिब। पुलिस तो कहती है इतनी सी बात पर फर्द जुर्म क्यों लगाएं, मगर ये मजबूर किधर जाएं? ये है ज्यादती का शिकार होने वाली बदकिस्मत लड़की किरण। जिले वाला पंजाब को भी पेश होए हैं, लिहाजा साड़ी मदद नहीं हुई। नहीं तो जिहड़ा असगर है ना वह नहीं फड़िया गया, उहदा भरा वकील है, नाला कानून दे नाल भी उहदी गल है, साड़ी कानून भी नहीं सुन रहा। मफरूर चौधरी की वापसी का एक ही हल था, साई बशारत उससे सुलह कर ले ताकि उसके खिलाफ खुली हुई पुलिस फाइल हमेशा के लिए बंद हो जाए। मुलजम फड़िया गया तो चौधरी नहीं फड़िया जाता पाया, शहबाज शरीफ साहब अगे अपील है कि सानू इंसाफ दिता जाए। चौधरी ने अपने नौकरों को बुलाया और हुक्म दिया कि साई बशारत को सुलह के लिए आमादा करें। चौधरी के बंदे साई से मिले मगर साई ने चौधरी के बंदों से सुलह करने से कर दिया साफ इनकार। चौधरी के बंदों ने साई के गांव से बाहर जाने का इंतजार किया और एक दिन मिल गया उनको नादर मौका। साई गांव से बाहर गया था, चौधरी के आदमी घुस गए साई के घर और साई के घर की औरतों को सुलह के लिए आमादा करना चाहा। साई की बीवी ने सुलह से इनकार किया तो चौधरी के आदमियों ने उन्हें मारा पीटा और सामान निकाल फेंका घर से बाहर। चौधरी का मुलाजिम शहबाज पुलिस की हिरासत में है और इसके बदले में साई बशारत पर हो रहा है तशद्दुद और मिल रही हैं संगीन धमकियां। आज साई बशारत का सामान घर से बाहर फेंक दिया गया है। आज की तारीख 27 दिसंबर 2010। आज वो फिर पहुंचा है थाना सिटी। क्या आज थाने वाले 10 महीने पहले वाली कहानी दोहराएंगे या चौधरी के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो जाएगा?
ये है दरखास्त बनाम डीएसपी डस्का, अर्ज गुजार साईं बशारत और दरखास्त में नामजद मुलजिमान चौधरी असगर और उसके आदमी। थाने में साईं ने मुहर्रर को सारा वाकया बताया। उसने कहा कि चौधरी असगर अपने मुलाजिम शहबाज को आजाद करवाने के लिए डाल रहा है सुलह के लिए दबाव। साईं ने कहा उसे सुलह नहीं इंसाफ चाहिए, मगर थाना सिटी ने वाकये की एफआईआर दर्ज करने से इनकार कर दिया। मरता क्या ना करता, साईं बशारत ने घर वालों को लिया और सड़क के किनारे पर जा बैठा। इंसाफ की तलब में उसे मिला देश निकाला और दरवाजे पे ताला। इस तस्वीर में साईं बशारत अपने उसी घर के बाहर खड़ा है जिसमें अब वो दाखिल नहीं हो सकता। अब है वो मजबूर और अपने घर से दूर। चौरी असगर ने बदले का ले अपने साथी दोस्त ने अपने चौरी ने सारे डाल गए ने। इन्हें मेरी बची ने जुलम कराया है ते बंदा फटिया ते आंदे ने सुलह कर ले ते तेनू मार छड़ना। मेरा समान चुके ना बाहर सुट दिता। मेरे बच्चिया भी मेरी धियां भैन की हथी पे ने। मेरे जिया भी मारिया ने। मेरा बच्चा बीमार इन्हू भी मारिया ने। भरा वकील है साढ़े बयान भी नहीं होने दिता पाया। उन्हें मारिया मेरे बच्चिया समान सुट छड़िया उन्हें बाहर। साईं की बेटी की इज्जत और अब उसके घर की छत दोनों छिन गए और चौधरी है मफरूर कानून के हाथों से दूर। शहबाज शरीफ दे अग्गे साडी अपील है, साडी मदद भी कीती जाए ते नाले साडा इंसाफ मिलिया जाए। कानून चौधरी पर गिरफ्त क्यों नहीं करता? क्या वजीर आला को इस केस में फिर मुदाखलत करना पड़ेगी या वर्दी वाला अपना फर्ज निभाएगा? क्या अंजाम होगा चौधरी का और क्या साईं बशारत को उसका घर वापस मिल सकेगा? इस केस पर एसपी मूसा अपनी नजर रखेगा। डॉक्टर साहब कहाँ हैं? ब्रेक के बाद देखिए डॉक्टर को कौन बताए औलाद को मरते देखना कैसा होता है। एक बाप की आप बीती।